Good morning, student. तो आज हम क्लास 8 यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.6 पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो 2.6 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है 8x-3 upon 3x = 2। हम अगेन राइट करेंगे सॉल्यूशन में लेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने राइट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारे पास आ जाएगा 8x-3 3x = 2। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8x-3 3x = 2। तो 8x-3 = 6x। हम जब 6x है वो लेफ्ट राइट हैंड साइड से लेफ्ट की तरफ जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास माइनस में इक्वल्स टू 3। उसके बाद हम 8 से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x आ गया, x की वैल्यू आई 3/2। तो हमारा क्वेश्चन इसी के साथ यही भी खत्म हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है (9x/7-6x = 15). हमें दोबारा से राइट करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, हमने मल्टीप्लाई फर्स्ट ऑफ ऑल 15 से किया, 9x = 15 (7-6x). जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 9x को तो हमारे पास आ जाएगा 9x, और मल्टीप्लाई करना है 15 7 = 105, 15 6 = 90। अब 90 जब इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा 105। तो 99x आ गया (=105). हमने क्या किया, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 9x था उसको उसी की साइड रखा और जो 105 है वो मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा, और 90 भी मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये ऐड किया और आ गया 105/99। कट करना है तो 3 3 9 3 5 15 33 35/33 = आंसर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है (z = z+15 = 4/9). हमने क्वेश्चन राइट कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9z = z+15 और 4। 9z = 4z 15 4 = 60। तो जब 60 आ गया अब हम सॉल्व करेंगे, 4z जब इस साइड को आएगा तो माइनस का 60 आ गया, 5z = 60 एंड (z = 60/5) (12) आंसर। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 12। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 3y + 4/2-6y = -2/5। अब हमें मल्टीप्लाई करना है ये सारा की सारा, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस, तो ये इधर जाएगा और ये इधर, तो हमारे पास आ गया 3y + 4 (5) =
टू इंटू माइनस का टू रहेगा, टू माइनस सिक्स वाई। अब आ गया हमारे पास 15y, 5 ज 20 और 2 से करेंगे 2 टू जा 4 माइनस का प्लस 12y। अब जो 15y है वो जैसे था वैसे आएगा, 12y साइड को आया तो माइनस का माइनस 4 माइनस 20, 8 माइनस 20 प्लस का साइड को माइनस का हो गया 3y इक्वल्स टू माइनस का 24, 3 वन जा 3 होता है, 3 एट जा 20, y आ गया माइनस 8। हमारा क्वेश्चन यहीं पे ही खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 7y प्लस 4 अपॉन y प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस 4y3। हमारा क्वेश्चन रहता है, हम दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हमने पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया जो 7y था, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया y प्लस 2 आ गया। अब 7 3 होता है 21, कितना होता है 7 3 21y 12 और माइनस 4y माइनस 8। तो जो 21y है उसमें हमने प्लस किया क्या 12 माइनस 4y माइनस 8, तो 21y आ गया, ये साइड को गया प्लस का हो गया 4y, तो ये साइड हो जाएगा प्लस का हो जाएगा माइनस 8 माइनस 12। इससे ये सब्सट्रैक्ट किया तो 17 रहता है और ये दोनों कितना बन गया 20 माइनस का। तो हमने क्या किया, जो 20 आ गया तो हमारे पास सॉरी यहां पर प्लस था, 21 प्लस 4 कितना होता है 25। अब हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो y इक्वल्स टू माइनस 20 ओवर 25। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन ये भी खत्म हो गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट का है, तो हम स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, द एज ऑफ हैरी एंड हैरी आर इन रेशियो 5:7। 4 years from now, the ratio of their ages will be 3:4. Find their present age. तो हमें क्या करना है, हमारे पास जो हैरी और हरी है उनकी जो एज है वो रेशो मिली है 5:7। 4 साल बाद क्या हुआ, तो प्लस करेंगे हम, उनकी एज 3:4 हो गई। तो हमें 4 साल क्या करना है, ऐड करना है पहले में। हम मानेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में, तो दोबारा मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं एक बार, द एज ऑफ हैरी एंड हरी आर इन द रेशियो 5:7। 4 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो हम लिखेंगे लेट द एज ऑफ, लेट द एज ऑफ हरी, हरी की एज मान ली हमने 5x, एंड दोबारा से द एज ऑफ हैरी, हैरी की जो एज आती है वो 7x। तो हमने लिखा 4 ईयर फ्रॉम 4 ईयर, तो 4 ईयर के बाद आएगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही राइट करते हैं टू क्वेश्चन। 4 साल बाद तो हमारे पास जो हैरी की एज है वो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 5x+4 हो गया और 7x+4 हो गया, वो आती है किसके बराबर 3:4।
दोबारा से समझ लेंगे, हमने हैरी की एज को 5x माना और हरी की एज को 7 है। हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा, जो 4 ऐड किया वो 4 ईयर फ्रॉम द नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी, प्लस करने के बाद इनकी एजेस 3:4 आती है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 5x+4 इधर और 3×7x+4। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन लगाया तो हमारे पास दोनों फ्रैक्शन थे वो खत्म हो गए। हमने जब मल्टीप्लाई किया तो 5×4=20 आता है, 20x हो गया, प्लस 16=21x प्लस 12। हमने मल्टीप्लाई किया तो 5×4=20 और 4×4=16 और जो 20 वाला 12 आया। तो हम अब इसके बाद राइट यहां कर रहे हैं, तो 20x था उसमें माइनस किया क्या, 21x इक्वल्स टू 12 से जो माइनस किया तो हमारे पास आ गया 16, 12 16 इस साइड को गया तो माइनस का होगा, 21 इस साइड को आया तो माइनस का, तो हमारे पास माइनस एक्स रहता है और माइनस का 4, एक्स की वैल्यू है वो 4 आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास प्लस 4। तो एज ऑफ मैरी क्या है, एज ऑफ हरी है, हरी की थी 5x, तो 5×4 दैट इज इक्वल्स टू 20 एंड हैरी की थी 7x, तो दैट इज 28। हमारे पास दोनों की एजेस आ गई है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 है, दोबारा से इसका ही क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन रहता है द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर पार्ट है, जब डिनोमिनेटर रैशनल नंबर का वो ग्रेटर देन है 8 के, इफ द न्यूमिनेटर इज इंक्रीज बाय 17 एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 1, द नंबर ऑब्टेन इज 3/2, फाइंड द रैशनल नंबर। हमारे पास डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू है, हम क्वेश्चन नंबर 7 के लिए लेट न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर अगर एक्स माना तो डिनोमिनेटर जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 8x+8। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे पास है, जो फर्स्ट में न्यूमिनेटर है वो इंक्रीज कर रहा है 7, इंक्रीज कर लिया, और डिनोमिनेटर है वो डिक्रीज कर रहा है 1, हमने जो डिक्रीज किया 1 कर लिया और 3/2 के बराबर है 3/2 के। अब हमें जल्दी जल्दी क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, पहले तो हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं x+17=x+7 3/2। हमने क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया 8 को 1 से तो 7 है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्रॉस मल्टीप्लाई आ गया x+17=3x+7, तो आ गया 2x+34 3x+20। तो अब 2x रहेगा वो माइनस करेंगे और 21 - 34 आ गया, हमारे पास माइनस का x रहता है और x के साथ जब 34 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 12 आ गया,
तो माइनस की वैल्यू आई और एक्स की वैल्यू आती है 13, तो हमारा आंसर निकल गया एक्स के साथ में। तो हमने जो रैशनल नंबर मान ली राइट करना है वो अब राइट करेंगे। लास्ट लाइन रहेगी हेंस, तो जो हमारे पास एक बार जो रैशनल नंबर फ्रैक्शन में रहा वो एक्स अपॉन एक्स प्लस 8 था, तो एक्स की वैल्यू आती है एक बार 13 और दूसरे टाइम आएगी 13 प्लस 8, तो 13 अपॉन 21 जो हमारे पास है वो आंसर है। हमारी एक्सरसाइज इसी के साथ खत्म होती है। थैंक यू।